हेलो दोस्तों, मैं हाँ अंकित सिंह राणा ते प्रताप अकैडमी दे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ते तुहाडा सारिआं दा स्वागत है। ते अज आपां हिस्टरी दा दूजा लैक्चर करांगे, भाई दूजी क्लास करांगे हिस्टरी दी। इस तो पहला एक क्लास हो चुकी है, ठीक है। उहदे च आपां ने बेसिक इंट्रोडक्शन है जिहड़ी हिस्टरी दी उह डिस्कस करी सीगी, ठीक है। ते अज तो आपां हिस्टरी नूं स्टार्ट करांगे। ते आपां पहला प्राचीन इतिहास पढ़ांगे भाई, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट वीडियो दे विच आपां डिस्कस कर रहे सी कि हिस्टरी है जिहड़ी, जिहड़ा इतिहास है अपना, वो तीन तरह का होंगे। एक प्राचीन इतिहास होंगे, मध्यकालीन इतिहास होंगे, तो एक आधुनिक इतिहास होंगे, है ना। तो आप प्राचीन इतिहास तो शुरू करा, पहला आप सारा कंप्लीट करा इन प्राचीन इतिहास में, फिर आप टेस्ट लवेंगे, ठीक है ना, लाइव आके। फिर उस तो बाद आप फिर मध्यकालीन इतिहास शुरू करेंगे। इदा करके आप पूरी कंप्लीट हिस्टरी है जी कवर कर लेंगे, ठीक है। उस तो बाद जो मर्जी एग्जाम दो पंजाब का, भावें सेंटर लैवल का, थोड़ा हिस्टरी के जोड़े भी क्वेश्चन ने, जिन्हें भी टॉपिक ने, वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये मेरी जिम्मेवारी है। शुरू करते हैं आप। बाकी ये साडा इंस्टाग्राम अकाउंट है भाई, जे हले तक तुसी नहीं जुड़े साडे नाल तां इंस्टाग्राम ते जरूर सानू फॉलो करो। ते कोई भी क्वेरी, कोई भी मैसेज तुसी करना चाहते हो तो डायरेक्टली कर सकते हो सानू इत्थों, ठीक है ना। ये साडा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इत्थों तुसी सानू डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ते टैलीग्राम चैनल का जिहड़ा लिंक है, वह भी थोड़ा वीडियो के थले डिस्क्रिप्शन च मिल जूगा, ठीक है जी। ते अपनी जिहड़ी ऐप है प्रताप अकैडमी दी, उहदा लिंक भी थोनू वीडियो दे थले डिस्क्रिप्शन च मिल जूगा। उत्थे ऑलरेडी पीपीएससी दे लई जिन्ने भी कोर्स ने, है ना, वो सारे चल रहे हैं, तुसीं उत्थों सानू ज्वाइन कर सकदे हो। ते जिन्ने भी वीडियो बणदियां, है ना, करंट अफेयर दी हो गई, ते जिन्ने भी इनवायरमेंटल इशू ने, वो सारे मतलब पीपीएससी दे एग्जाम दे विच कोई एक क्वेश्चन भी किसी टॉपिक तो आंदा ना, वो टॉपिक भी आपां ने कवर करया हुआ है अपनी जिहड़े कोर्स ने, है ना, ऐप दे उत्ते। तां तुसीं इक वार जाके वो जरूर चैक करो। ते बाकी हिस्टरी थोड़ा आप इतने करा ही रहे हैं। बाकी जो मॉडर्न हिस्टरी है जी, वो अपने किरण ज्योत मैम ने, है ना, उन्होंने बड़ी चंगी तरह कराई हुई है ऐप के उत्ते, उत्तों तुसी उन्होंने वीडियो जी वो देख सकते हो, ठीक है। शुरू करते हैं आप। प्राचीन इतिहास के बीच अपना सब तो पहला टॉपिक केड़ा है भाई, पत्थर युग, ठीक है ना। तो यह सब तो पहला टॉपिक है पत्थर युग, इनू आप करते हैं। देखो पत्थर युग है की है, पहला ये बारे तुम देखो। पत्थर युग है जोड़ा सब तो पहला जिहड़ा मनुख सी, है ना, उहनूं किसे धातू बारे नहीं पता सी, ठीक है ना। तां उह की यूज करदा सीगा, स्टोन यूज करदा सी, पत्थर युग, ठीक है ना। तां करके आपां ने फिर की है उस युग दा नां की रख्या हुआ है, पत्थर युग रख्या हुआ है, ठीक है जी, समझो। सब तो पहला मनुख जदों जंगलां दे विच रह रहा सी, ठीक है, गुफावां दे विच रहिंदा सी, तां उस टाइम उहदे कोल कोई धातू नहीं सी, ठीक है, ते उहनूं सिर्फ पत्थर बारे ही पता सी। तां पत्थर ही वह यूज करदा सी, ते पत्थरां तों ही अपने जिन्ने भी हथियार ने वह उहने बणाए, ठीक है, शिकार करना सीखिया, ते पत्थरां नूं ही रगड़ के फिर उहने अग बनाई है ना। उस तो बाद जिहड़ी डिवेलपमेंट शुरू हुई है, तां उह जिहड़ा काल रहा है ना, उह युग जिहड़ा रहा उहनूं आपां ने पत्थर युग कहा है, ठीक है जी। ते पत्थर युग नूं भी आपां ने तीन हिस्सों दे विच वंडिया हुआ है, ठीक है, वह आपां देख लैंदे आ किहड़े किहड़े तीन युग ने, जां किहड़े किहड़े तीन उहनां दे विच वंडिया हुआ है। तां जिहड़ा पत्थर युग है, ठीक है जी, इक तां जिहड़ा सब तो पहले वाला पत्थर युग है, जां तुसीं इहनूं इदां कह सकदे हो ओल्ड स्टोन एज, आपां इहनूं कह सकदे आ लेटर स्टोन एज या न्यू स्टोन एज इंग्लिश दे विच, ठीक है। ते पंजाबी दे विच तुसी बोल सकते हो पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग ते नव पाषाण युग, ठीक है जी। ते पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज ते न्यूलिथिक एज, ये तीन नाँ इहदे बणदे आ, तुसी तीनों याद रख सकते हो, ठीक है। पैलियोलिथिक इंग्लिश दे विच हो गया, ते पूरा पाषाण युग पंजाबी दे विच हो गया, ठीक है जी। ये तीन युग ने, इन्हां दे विच हुंदा की है, देखो जिहड़ा ओल्ड स्टोन एज है ना, ये तो मतलब सब तो पुरानी स्टोन एज, जदों मनुख नूं किसी भी चीज़ का नहीं पता सी, सिर्फ उन्हें की करना है पत्थरों का इस्तेमाल करके उन्हें अपने भाले वगैरह बनाए हुए हैं, वह शिकार करता, तो उन्होंने वो कच्चा ही कंज्यूम करता सी, ठीक है ना। ये उस तो बाद हौली हौली उन्हें की है पत्थरों का भी मतलब उन्होंने पत्थरों की पालस करनी आ गई, पत्थरों को तिखा करके उन्होंने घड़ना आ गया, है ना, पत्थरों को रगड़ना आ गया, ये सारा कुछ कराया उन्हें। तो ये मध्य पाषाण युग है, मतलब हौली हौली करके उन्हें थोड़ी जी डिवेलपमेंट करी है, ठीक है, पर यूज हाले भी वह पत्थर ही कर रहा है, ठीक है। उस तो बाद फिर नव पाषाण युग है, नव पाषाण युग के विच वो पत्थरां तो इलावा उन्होंने हौली हौली होर चीज़ों का भी ज्ञान हो गया, उन्हें अपने घर वगैरह भी बनाने शुरू कर ले, ते जानवर वगैरह भी उन्हें पालतू बनाने शुरू कर ले, ठीक है ना। ये तीन युग ने, इन्हों आप हूँ डिटेल के पढ़ना है एक एक करके। सब तो पहला आप ओल्ड स्टोन एज बारे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओल्ड स्टोन एज यानी जी अपनी पैलियोलिथिक एज है, जनू आप पूरा पाषाण युग कह रहे हैं, ठीक है ना। तो यदा टाइम पीरियड देखो भाई, पूरी दुनिया के अलग अलग टाइम ही मतलब मनिया जाता है, ठीक है। तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो जो देखिए, पिछले
मतलब 5 लाख, ठीक है ना, इधर टाइम पीरियड है 5 लाख तो लैके पिछले जेहड़े 10,000 BC है ईसा पूर्व तक, इधर टाइम पीरियड आप मानते हैं 5 लाख तो लैके 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है जी। ये ओल्ड स्टोन एज है जी, जब पूरा पाषाण युग है यदा काल मनिया जाता है, ठीक है। बाकी इस टाइम के लोग कहो जे सीगे तो यह सानू पता ही है, शिकारी लोग सी, उन्होंने होर किसी चीज़ का नहीं पता सी, सिर्फ उन्होंने की करना है पत्थर का यूज करके पत्थर के टूल बना के शिकार करना उन्होंने, ते उन्हों कंज्यूम करना, ठीक है ना। गुफावां दे विच ओह रहिंदे सी, ना उन्होंने अग का पता, ना उन्होंने पहीए का पता, ना उन्होंने कोई भाषा सानू पता है कि वह की भाषा बोलते सी, तो खेतीबाड़ी बारे भी उन्होंने कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो आ तुसी देख सकते हो, ये थोनू PPT मिली जाऊगी, उहदे च पढ़ लेना है, ठीक है ना। लोग शिकारी सन, गुफा विच रहिंदे सन, पत्थरां दे उपकरण वरतते सन, ठीक है ना, ते खेतीबाड़ी जां अग बारे उन्हां नूं कोई ज्ञान नहीं सी, ठीक है जी। ते ओह जिहड़ी चट्टान जिहड़ा पत्थर वरतदे सी ओह क्वार्टाजाइट सीगा, ये भी याद रख सकते हो, ये डायरैक्टली क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है ना। ये तुसी देख सकते हो, ये जिहड़े टूल्स ने, है ना, ये खुदाई चों सानूं प्राप्त होए आ, ये तुसी PPT दे विच क्लीयरली दिख जूगा थोनू, ते PPT थोनू मिल जूगी साडे टैलीग्राम चैनल तो, ठीक है जी। तो ये ओल्ड स्टोन एज है बस, ठीक है, इन्ना कहदे बारे याद रखना है। बाकी ओल्ड स्टोन एज दी कुछ फेमस साइटां तुसी याद रखनियां, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओल्ड स्टोन एज दी फेमस फेमस जिहड़ी साइटां ने, हुण साइटां की ने भी, साइटां वो वाले उस जगह नूं आपां साइट कहिंदे आ जिथों मतलब खुदाई दे विच ना सानूं खुदाई करके धरती चों जिहड़ा ओल्ड स्टोन एज दा समान है वो सानूं प्राप्त होया, है ना, जिहड़े टूल ने जिहदी फोटो आपां देख रहे हां, है ना, ये पत्थर दे टूल ने, तां ये खुदाई चों सानूं प्राप्त होए ने। तो जिहड़े भी शहर तो सानू खुदाई तो यह चीज़ां प्राप्त होंदियां ने उहनू आपां साइट कहिंदे आ। तो ये कुछ साइटां ने बई, जिवें लिंग सुगर, ये साइट है कर्नाटक दे विच, सुपर इंपोर्टेंट है, ये याद रखनी है तुसी, ठीक है। डायरैक्टली क्वेश्चन आंदा साइट का नाम है कि तुहानू पुछदे ने कि ये साइट कित्थे मिलेगी, ठीक है ना। तो सोहन वैली है पंजाब दे विच, बैलन वैली इलाहाबाद यानी हुण तां प्रयागराज हो गया, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश दे विच। तो एक ये है बई अतिरापक्कम, ये तमिलनाडु के बीच है, ये डायरैक्टली क्वेश्चन बनते हैं, ये सानू डायरैक्टली क्वेश्चन आएंगे पेपर के, ठीक है ना, कि सोहन वैली जी साइट है ये कितने है, ज बिलन वैली साइट है ये कितने है, ठीक है जी, ये याद रखना है। बाकी तुसी आ देख सकते हो, ये जेडे पूरा पाषाण युग के जेडे लोग ने, है ना, गुफा के बीच रह रहे हैं, देखो आ शिकार करके लैके आ रहे हैं, है ना। बाकी सारा कुछ है पत्थरों के टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने होर किसी चीज़ का नहीं पता, ठीक है, ये टूल ने उन्होंने, ठीक है बई। तो नैक्सट आप चलते हैं, फिर पूरा पाषाण युग काफी साल तक चलिया, है ना, देख सकते हो तुसी 5 लाख साल तो लैके 10,000 BC तक ये साल ये मतलब जिहड़ा ये युग चलिया। बट हौली हौली की है जिहड़ा मनुख है ना ओदे दिमाग का भी विकास हुंदा है, ते ओ की करदा है फिर उहनूं काफी नॉलेज है जिहड़ी आ जाती है, ठीक है ना, हौली हौली करके। तो फिर वह नॉलेज करके उन्हें की करिया, जिहड़े जानवर ने, है ना, उन्हां दा भी उहनूं पता लग्या भी किहड़ा जानवर उहदे लई सही है किहड़ा गलत है, उन्हें जानवरों नूं पालतू बनाना भी शुरू करिया हौली हौली करके, ठीक है जी। उन्होंने पौद्या की कास्त का भी पता लग गया, है ना, भी किहड़े पौद्या के कदों फल आते हैं, किहड़े पौद्या के फल उन्होंने वास्ते वधिया ने, जो भी है ना, यानी कि हौली हौली उन्होंने खेतीबाड़ी की भी नॉलेज होनी शुरू हो गई है, ठीक है ना। तो पालतू भी बनाने उन्होंने शुरू करते जानवरों को, यह सारा कुछ कदों हो रहा है, मध्य जिहड़ा पाषाण युग सीगा उहदे विच, मीजोलिथिक जिहड़ी एज सी, ठीक है ना। तो यह 10,000 BC तो लैके 6,000 BC तक चली है, ठीक है। इहदी फेमस साइटां तुसी देख सकते हो, आदमगढ़ है मध्य प्रदेश के, सुपर इंपोर्टेंट है, डायरैक्टली पेपर के क्वेश्चन बनता है कि आदमगढ़ जिहड़ी मिजोलिथिक साइट है आदमगढ़ ये कित्थे मिलेगी, ठीक है। ये देख सकते हो तुसी बागौर राजस्थान, ते भीम बेट का सुपर सुपर इंपोर्टेंट है भाई, भीम बेट का, ठीक है ना, भीम बेट का कित्थे मिलेगी मध्य प्रदेश के, प्राचीन गुफावां ने। बाकी मैं अगे स्लाइड के तुहानू इहदी फोटो भी दिखावांगा, ठीक है ना। मिजोलिथिक इत्थे मिजोलिथिक टाइम की पेंटिंग्स भी ने हले तक, ठीक है ना, क्योंकि ये गुफावां की है काफी अंदर सीगे उत्थे हुण तक, मतलब जिहड़ा पानी वगैरह उन्हें ये पेंटिंग नूं खराब नहीं करिया, क्योंकि उत्थे ना तो प्रोपर हवा पहुंचती है तो ना ही प्रोपर मतलब बारिश का पानी वगैरह उन्होंने लग्या, तो वह पेंटिंग हले भी ने कई हजार साल पुरानी, ठीक है ना। तो 10,000 साल पुरानी पेंटिंग्स भीम बेटका की गुफावां दे विच सानू मिलणगी, तो ये कित्थे ने, मध्य प्रदेश के विच ने, सुपर इंपोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है ना। इस तो अलावा उही है अतिरापक्कम तमिलनाडु के, तो ये फेमस साइटा ने बई, ये सारी याद रखनिया ने, ठीक है। बाकी ए दा चीजा इन्हां दे उत्ते कोई डायरैक्टली क्वेश्चन नहीं बनता है भाई, ठीक है ना, जां तां फिर क्वेश्चन जिहड़े PCS लैवल दे हुंदे आ ओह क्वेश्चन बनते हैं, जिन्हां च चार चार थानू दे स्टेटमेंट दे ही होणगीआं, है ना, चार स्टेटमेंटा उन्हां दे विचों पुछ लैणगे कि किहड़ी स्टेटमेंट सही है किहड़ी गलत है, ठीक है। जां तां इदां क्वेश्चन बनता, जे डायरैक्टली वन लाइनर क्वेश्चन बनाना है सिंपल, है ना,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਜ਼ੋਲੀਥਿਕ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗੀ, ਭੀਮਬੇਟਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਭੀਮਬੇਟਕਾ ਦੀ ਗੁਫਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਈ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮੱਧ ਪਾਸ਼ਾਣ ਯੁੱਗ ਸੋਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਵ ਪਾਸ਼ਾਣ ਯੁੱਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵ ਪਾਸ਼ਾਣ ਯੁੱਗ, ਨਿਊਲੀਥਿਕ ਏਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ 6000 BC ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1000 BC ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਈ, ਪਹੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਹੀਆਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਆ, ਪੋਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਮਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਫਸਲ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ, 5-5, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਚੇ ਗਾਰੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਦੇਖੋ ਖੇਤੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਉਹਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਡਾ ਟਿਊਬਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਗਾਰੇ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਸਾਲ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਤੇ ਗਾਰੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਵ ਪਾਸ਼ਾਣ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਫੇਮਸ ਸਾਈਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਵ ਪਾਸ਼ਾਣ ਯੁੱਗ ਦੀ, ਇਹ ਫੇਮਸ ਸਾਈਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਹਰਗੜ੍ਹ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੁਰਜੋਮ ਵੀ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਚਿਰਾਂਡ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਬੈਲਨ ਵੈਲੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਨਵ ਪਾਸ਼ਾਣ ਯੁੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੱਕੜ ਤੇ ਗਾਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੌਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਾਜ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਵ ਪਾਸ਼ਾਣ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਨਵ ਪਾਸ਼ਾਣ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਨਵ ਪਾਸ਼ਾਣ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਟੋਨ ਏਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟਲ ਖੋਜ ਲਏ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂਬਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਰਨ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਟਲ ਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਟਲ ਏਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਾਤੂ ਯੁੱਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਲਕੋਲੀਥਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂਬਾ ਯੁੱਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਪਰ ਏਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬ੍ਰੌਂਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂਬੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੌਂਜ ਏਜ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਖੋਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਰਨ ਏਜ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਘੱਟ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਪਰ ਏਜ, ਬ੍ਰੌਂਜ ਏਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਇਰਨ ਏਜ, ਹੈ ਨਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਟਲ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਏਜ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਏਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਬਈ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਬੈਲਨ ਵੈਲੀ ਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੁੱਗ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਪੈਲੋਲੀਥਿਕ ਯਾਨੀ ਪੂਰਾ ਪਾਸ਼ਾਣ ਯੁੱਗ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪਾਸ਼ਾਣ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੀਜ਼ੋਲੀਥਿਕ ਏਜ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਵ ਪਾਸ਼ਾਣ ਯੁੱਗ ਯਾਨੀ ਨਿਊਲੀਥਿਕ ਏਜ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ
ठीक है ना, ये याद रखना है। तीने युग, पुरापाषाण युग भी यानी ओल्ड स्टोन एज, ते जड़ी मीजोलिथिक है ना, ते न्यू स्टोन एज है जो नवपाषाण युग है, तिना के प्रूफ इतों सानू मिले हैं, ये याद रखना है। बाकी ये पॉइंट भी काफ़ी इंपोर्टेंट है, ये भी पूछे जाता है, ये पटने ना की जगह है महाराष्ट्र के, पटने इतों सानू छत्र मुर्ग है जो ऑस्ट्रिच है वो अंडे वगैरह मिले हैं, ठीक है ना, ऑस्ट्रिच के, तो यह डायरैक्टली क्वेश्चन बनता है भाई, ठीक है, याद रखना है। इस तो अलावा भीम बेटका की गुफावां मैं थोड़ा पहले ही दसिया बई, ठीक है ना, यह मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट के ने, तो यह 1957 के VS वकांकर से बारे पता लगाया, ठीक है ना, वह निकले हुए थे टूर से कुछ रिसर्च वगैरह कर, पता लगे इन्ह गुफावान बारे, ये जी पेंटिंग्स ने यह देख सकते हो, यह भीम बेटका दिया पेंटिंग्स ने, ठीक है ना। ये सारिया भीम बेटका दिया पेंटिंग्स ने, तो यह मेनली रेड कलर है इन्हों पर करया हुआ, तो यह जी गुफावान ने है ना, गुफावान की कंधा से इन्हों उन्होंने बनाया हुआ पेंटिंग्स न, सारा नैचुरल कलर है उन्होंने, नैचुरल कलर ओबियसली गल है भाई, नैचुरल कलर ही होगा है ना, तो सारा नैचुरल कलर है जिहड़ा हुण तक उत्थे लग्या होया कंधा ते, कई हज़ार साल 10,000 साल पुरानी ये पेंटिंग्स ने, ठीक है ना। कोई बंदा है जिहड़ा घोड़े ते बैठे हाथ दे विच भाला वगैरह शिकार ते चले हुए हैं ना, इदां करके ने, ठीक है, तो मतलब उस टाइम जो भी मतलब आपां इह अंदाजा लगा सकते हैं ना भी उस टाइम उन्हां नूं इस जिहड़े जिहड़े जानवर इन्हां ने इत्थे बनाए ने है ना, भी इन्हां जानवरां दा उन्हां नूं पता सी उस टाइम दे विच है ना, इदां करके, क्योंकि जिहड़ा उन्हां ने लाइव एक्सपीरियंस करिया होना उही तां उन्हां ने बनाया होना इत्थे है ना, तां इह सारा कुछ है भाई। तो भीम बेटका दी गुफावां ने याद रखना है, तुम कितने ने रायसेन डिस्ट्रिक्ट है जो मध्य प्रदेश के, ठीक है, तो यह सारा कुछ की सीगा बई, यह सारा कुछ सीगा पत्थर युग, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी कहो जी लगी है ये जरूर कमेंट करके दसना है, बाकी वीडियो शेयर जरूर करना है, तो इस तो बाद आप नैक्सट लैक्चर लैके आवेंगे, तो हौली हौली करके आप जिन्हें भी लैक्चर पढ़ते हैं पेपर आने तो पहला आप सारी जी हिस्टरी है वो आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऐप में साड़ी जरूर डाउनलोड करो बई, ठीक है, थैंक यू।